ये है हुंडई की एक ऐसी लग्जरी एसयूवी जो कि आती है एक ऐसे रेट में जिसमें कि बहुत सारी गाड़िया और भी आती हैं लेकिन ये एक जो मॉडल है ना इनका ये बहुत ही सेक्सी है इसके ऑनर है मेरे साथ में उनसे बात करते हैं सबसे पहले लोगों को ये कंफ्यूजन है कि इस गाड़ी का नाम क्या कुछ लोग बोलते हैं टक्सन कुछ लोग बोलते है टूसो कुछ लोग बोलते हैं टू सोन प्रॉपर ठीक नाम है टूसो टू सो टू एस क्योंकि ये कोरियन कंपनी है तो वो कोरिया का वर्ड है ना बिल्कुल टू सो गाड़ी जब लेने जा रहे थे यही कलर और फैमिली

ये पैसेंजर यार क्या के तो बिन यारू दी होंडे वालों ने इस बारी सबसे बड़ी बात है की इसमें लेग रूम बहुत है मतलब हाँ। लेगरूम बहुत ज्यादा है क्योंकि गाड़ी बहुत लंबी है यार तो हाँ। <laughs> लेगरूम बहुत ज्यादा है चालीस लाख रुपए की बात हो रही है ना बिल्कुल अच्छा तो फिर काफी अच्छा लगता है यार और जगह बिल्कुल कम नहीं बढ़ती जगह बिल्कुल कम नहीं सनरूफ है तो और अच्छा लगता है खुला खुला लगता है ऊपर का व्यू लगता है और ऊपर का व्यू भी दिखता है कहीं पे जैसे घूमने जाते हैं तो निकल भी सकते हैं ना हाँ आराम से, से आराम निकल आराम सकते हैं ठंडी ठंडी हवा ले सकते हैं और ये जो इसकी हाँ। क्वालिटी ये 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 है प्लास्टिक की तो मतलब ज्यादा सॉफ्ट भी निकलने कि वो हो जाएगा अच्छा एक चीज लगी लगी नहीं यहाँ पे कि इसमें यहाँ पे ज्यादा स्टोरेज नहीं है सिर्फ एक बॉटल होल्डर है ये इशू है आगे भी मैं अपनी आज बॉटल लेकर निकला था वो नहीं आई थी

इंटीरियर का जिस तरीके से डिजाइन की हुई है गाड़ी वो बहुत आउटस्टैंडिंग है तो यार ये बड़े बड़े जो व्हील्स हैं हाँ इनसे क्या हेल्प मिलती है रोड पे तो अठारह इंच तो है, है रिम्स है और ये जो व्हील्स का जो शेप है जो लुक है इसका, हाँ। कितना प्यारा में। 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 है और एक और पॉइंट है कि ये जो डिजाइन है ना इस कार के साथ लाइन है ये लाइंस कैसी हैं

इससे ऑफ रोडिंग कर सकते हैं रोड पे भी अगर हाईवे पे भी तेज से चला रहे हो ना बिल्कुल चिपक के चलेंगे हाँ। मोड़ते मोड़ते वोड़ते वक्त इसके अंदर कुछ इम्बेलेंस नहीं होगा चालीस लाख रुपए में फाइव कूल थिंग्स इस कार के अंदर क्या लगती हैं? So, अच्छी अच्छी चीजें पहले आप आगे देखो इतनी अच्छी लाइट्स दी है इनको पैरामेट्रिक लाइट्स बोलते हैं अच्छा जो मतलब ग्रिल में ही जा रही है उसका आ, ही एक ले रही है Embedded है एम्बेडेड मतलब बिल्कुल बिल्कुल अगर आप एक ग्राइड बंद हो जाएंगी तो आपको लगेगा ग्रिली चल रही है वो और ये इसमें हेडलाइट है लाइट का थ्रो कैसा रात को बहुत सही है वो अच्छा दिखता है बहुत अच्छा बहुत दूर तक जाता है मतलब लाइट हमें अपग्रेड करने की जरूरत बिल्कुल नहीं अच्छा ये जो क्रोम है ना ये ब्लैक क्रोम यार ये बहुत ही क्लास चीज दे दी है इस बार ना इसमें है ये जो ब्लैक क्रोम दे दिया है ये वैसे महंगी कार महंगी बाइक के अंदर ये वाला क्रोम होता है सेकंड

मेमोरी सीट्स दी हुई हैं वहाँ पे उसके बाद टेन वे ऑपरेशन दिया हुआ है सीट में भी उसके बाद सब कुछ है ऑटो कारप्ले सब कुछ है कुछ ही कुछ छोड़ा ही नहीं है आपको एक कॉजिता था, था। जैसे मैं आज सोनार की तरफ आ रहा था तो मुझे मैं रुका रेडलाइट पर

तू, सौ <laughs> अच्छा और टेल गेट का कैसी है इसमें जो आपकी टेल टेलगेट मिलेगी वो आपको इलेक्ट्रिक मिलेगी तो ये बहुत इजी पावर्ड है आराम से खुलेंगी बंद होंगी और बूट स्पेस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है एक इसमें ये जो सेपरेशन दिया है हाँ, ये भी बहुत मिलती है हमको इस सेपरेशन का मेन फीचर क्या होता है मतलब इसमें रखेगा क्या बंदा बंदा ये रखने के लिए नहीं होता कि बाहर कोई देख ना पाए कि की पड़ा क्या हुआ है और सब कुछ और सेफ्टी के लिए कुछ आगे से कुछ भैग वैक रहा है तो आराम से गिरा है और अगर इसको खोलना हो तो ऐसे इसको से नहां नहां से बिल्कुल। से एक और चीज बताऊंगा आपको मैं इस पे स्पेयर टायर एलॉय मिलता है और मिलता है बहुत ज्यादा ये है इसकी की और इसके अंदर एक मैजिक है क्या मैजिक है ये की हमने यहाँ रखी कोई बटन नहीं दबाएंगे ये देखो की पास आते के साथ ही अपने साथ अपने आप ही ये टेलगेट ओपन हो जाएगा हाँ बिल्कुल यार ये मैजिक है वैसे एक बात बताऊं ये परेशानी नहीं करेगा कि अगर जैसे ये हमारी जिम में ही है हाँ। हमने गाड़ी बंद कर रखी है हम इसके हाँ, पास आए, उसका ध्यान रखना पड़ेगा <laughs> चार सेकंड लेती है तो फिर वो भी ठीक है क्या पता गाड़ी के अंदर कुछ ऐसी चीज पड़ी हो पार्टी हाँ। की जो हमें नहीं दिखानी अपनी फैमिली को हाँ, हमने हमने गाड़ी अंदर लगाई और ये तो पॉकेट में पांच सेकंड यहाँ पे वापस खड़े होकर बात कर रहे हैं पापा देखने बेटा ये क्या ये क्या करके आ रहा तू गाड़ी के होता है ना तो यहाँ से ये क्लोज हो जाएगी सेंसर भी इसमें नीचे हाँ सेंसर है नीचे सारे अच्छा तो मतलब अगर इसको यूं करते हैं तो हाँ, होता है हो ये तो बड़े अच्छे अच्छे फीचर हैं इसके अंदर बिल्कुल लेकिन रेट भी तो अच्छे खासे हैं हाँ अब ये है इसकी नेविगेटर सीट और नेविगेटर सीट अनलॉक करना पड़ेगा अच्छा यहाँ से दबा के सेंसर अच्छा इसमें यहाँ पे भी लाइट है लाइट है इसमें यहाँ पे लाइट है कि अगर रात को हाँ, देख रहे हो तो हैंडल दिखना चाहिए बिल्कुल ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं क्या थर्टी सिक्स लैक्स में तो ये नेविगेटर सीट का व्यू है इसके मुझे ए सी के जो वेंट्स है ना ये बहुत प्यारे लगते हैं बहुत सुंदर है बहुत सुंदर है। ये पता नहीं किस चीज से इंस्पायर्ड है बट ये है बहुत ही ज्यादा हाँ। सुंदर क्योंकि इसमें कुछ ए सी वे वेंट दिखता नहीं है दिखता नहीं स्टीम लाइन है बिल्कुल और ये पूरा एक ए सी है जैसे बाकी में यहाँ पे ए सी हो गया वहाँ पे हो गया पूरा एक ए सी है डिफ्यूज करके ओके तो हर जगह से ए सी की आती है

दूसरा मैं कहूंगा इसका माइलेज माइलेज बहुत तंग कर रही है अभी सिर्फ पाँच छः आ रही है पाँच छः आ रही है हाँ टैंक फुल करवाया था फुल कितना हो गया होगा टैंक अभी आधे से कम हो गया ये है इसका पेनोरामिक सनरूफ और पेनोरामिक सनरूफ यही से बोलते हैं ना ओके वन टच हाँ वन टच हाँ,

ये जो चीज है ना ये कॉकपिट टाइप से है, हाँ। है ना एक तो इन्होंने सब कुछ ही टच बेस दे दिया डिजिटल दे दिया है पूरा पूरा स्टीयरिंग बिल्कुल नई टाइप का स्टीयरिंग है ना ये ये पे इतना बड़ा बड़ा एक एक लगा दिया फोन फोन है हाँ। का जैसे पहले हाँ। नो, नोट फोन आते थे हाँ। वो एक बुरा बुरा फोन लगा दिया यार ये इसका जो स्टेयरिंग है ये बहुत बड़ा नहीं है जैसे टाटा की गाड़ी में होता है बड़े बड़े स्टेयरिंग कॉम्पैक्ट स्टेयरिंग है पतला स्टेयरिंग है और अच्छा भी लगता है कॉन कैसा इसका एलिगेंट हॉल है जो कि कानों को लगता है और ये जो इसके अंदर बटन हैं ये सारे सारे मोड्स वगैरह क्रूज कंट्रोल ये चीज़ें के होती है मेन क्या है वो है ये कम्फर्ट जोन ये सीट में यहाँ पे किस चीज के बटन है सीट में ये बेसिकली बॉस मोड है तो जैसे कोई पीछे बैठा हुआ है उसको ड्राइवर चला रहा है तो ये यहाँ से कंट्रोल हो जाती है ओके ओके और ये वैसे ये भी इलेक्ट्रिक है ये भी इलेक्ट्रिक दिया हुआ है ये भी इलेक्ट्रिक है हाँ। तो इसमें बॉस मोड भी है अगर बॉस पीछे बैठे हैं उस तरफ हाँ। तो सीट बिल्कुल आगे की तरफ कर हाँ। लेंगे उसके ऊपर पैर भी रख लो कुछ रख लो मतलब कुछ कुछ भी कर सकते हो गाड़ी हाँ। के अंदर बैठ के अब ये वाले जो पोर्शन है यार इसके अंदर हाँ। ये लग नहीं रहा जैसे फ्यूचर से आया हुआ पोर्सन है बट एक चीज में कहूंगा इन्होंने थोड़ा रेंज रोक कॉपी किया है रेंज रोक में ऐसे एक फ्लो आता है तो देखो एक फ्लो आ रहा है जैसे यहाँ से फ्लो चल रहा है एकदम से हाथ गिरता नहीं है एक फ्लो है तो ऐसा थोड़ा देर कॉपी किया है लोगों ने

तो मतलब जिनके आंखों के नंबर बड़े हुए हैं हाँ। जिनके मोटे मोटे चश्मे लगे हुए हैं जिनको साइडों का मालूम नहीं है ये 360 कैमरा आने से हाँ। पता क्या हुआ उनके साथ

इको मोड पे माइलेज कितनी देती होगी अभी एक दो बढ़ जाती है माइलेज छे हाँ छह सात हो जाएगी छह सात हो जाएगी हाँ। नॉर्मल पे दे रही है पाँच हाँ। और स्पोर्ट्स पे कितनी दे रही। वो पांच चार हो जाएगी <laughs> वो चार चार आ जाएगी जैसे हमर होती थी ना हमर हाँ। वो गैलन में देती थी एवरेज सेवन किलोमीटर का हाँ। वो भी अच्छे अगर चला रहे होते तो हाँ। यूएस मिलिट्री वाले उसको ये जो डोर्स है ना यार इसका फील भी बहुत अच्छा है यहाँ से पकड़ने का ये है, हैंडल ये सारी चीजें सॉफ्ट एक और चीज बस ये लगती है मेरे को लगता है कि इनको ना स्पीकर बड़े देने थे इस वजह से ये वाला स्पेस छोड़ा किया गया बिल्कुल तो ये कंपनी भी सोच रही है कि बॉटल रखो पियो हाँ। रहो ये ये ये, ये ये भी कोई बात है लेकिन उनको पता नहीं हम बॉटल नहीं हम कुछ और रखेंगे <laughs> चलो फिलहाल अब ये जो है ना इस गाड़ी के अंदर एमबेंट लाइट का भी एक फीचर हाँ। है जो की बहुत ही कूल है लेकिन अभी हमें ऐसा लग रहा है की एमबियड लाइट से बीच में बीच में यहाँ पे नहीं है यहाँ नहीं है बिल्कुल दोस्त में नहीं है बिल्कुल तो एम्बियड का मतलब क्या हुआ फिर कुछ हुआ नहीं इस गाड़ी में मतलब

यार जब इतना आलसी बना रहे थे इंसान को कि तुम बाहर तक लाइट दे रहे थे बाहर हाँ। के जो हैंडल है वहां पे भी लाइट दे रहे हो तो एक खोलते के साथ ही लाइट आ जा जाती है अच्छा ये एक्सटेंड हो सकते हैं तो जैसे अगर क्या बोलते हैं धूप ज्यादा लग रही है पीछे आ रही है तो ये एक्सटेंड हो जाते हैं तो जी ये जो है ना इंटीरियर के अंदर बहुत ही अच्छी और बेस्ट फीलिंग है अब भाई ये जो गाड़ी है इसके लिए लोगों के छोटे से रूमर्स हैं मार्केट के अंदर इसकी सेफ्टी रेटिंग क्या है है, में, जो सबसे हाँ। यूरो यूरो हाँ। तो चलो मान लो की जैसे इसके अच्छे पॉइंट्स भी बता दिए बुरे पॉइंट्स भी बता दिए थर्टी सिक्स में क्योंकि इनके पास पहले फॉर्चुनर थी ना फॉर्चुनर फॉर्चुनर बेच के ये ले ली बिल्कुल कौन सा वाला था, दो था का मॉडल था वो दो हजार बारह दस साल हो गए तो निकालनी पड़ी चलो वो तो खैर मजबूरी हाँ। <laughs> अच्छा नहीं, 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 नहीं मिलती नहीं लेने मिलती। ले जाते तो नई वाली फॉर्चुनर हमने देखी थी रजेंडा पे देखी थी सब कुछ देखा था गाड़ी अच्छी लगी थी बट पिछली बार से मुझे लगा की सेम चीज आप इसको लेनी है थोड़ा लग्जरी जाते हैं तो इसलिए हम इस पे आए ये थोड़ी सी लग्जरी है तो अगर किसी को थर्टी सिक्स रुपए खर्च करने है वैसे वैसे तो सबका अपना अपना वो होता है पॉइंट ऑफ व्यू लेकिन क्या कहोगे तुम बहुत अच्छा चॉइस अगर अगर आपका है तो खुँँ, बिल्कुल खुँँ, लोग। खुँँ ने, खुँँ ने ले ली ना <laughs> तो गाइज ये जो है ना ये एक छोटा सा ओवरव्यू और मस्तीबाजी के अंदर बनाने की कोशिश थी कि कैसी ये गाड़ी और क्या इसके क्या इसके अंदर क्या क्या नहीं मिलता एक ये भी बहुत बड़ी बात है वो बताना बहुत जरूरी है तो हम ऐसी और मिलते रहेंगे थैंक यू सो मच भाई फॉर थैंक यू नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए कीप वॉचिंग बाय